इन दिनों सोशल मीडिया का चलन धड़ल्ले से बढ़ रहा है। इस चकाचौंध की दुनिया में लोगों की असल सच्चाई जानना मुश्किल हो गया है। इस बीच भोली भाली लड़कियां फोटो देखकर युवक के प्रेम जाल में फंस जाती है और बाद में धोखे का शिकार होना पड़ता है। ताजा मामला धनबाद बैंक मोड़ ओजोन प्लाजा स्थित द स्टेइंग इन थाई स्पा पार्लर में भोली भाली युवतियों को फंसाकर अवैध तरीके से देह व्यापार करने का है। सोमवार को युवती से जबरन देह व्यापार करने और मसाज पार्लर में काम करने को लेकर लगातार दबाव बनाने से परेशान होकर युवती एसएसपी कार्यालय मदद की गुहार लगाने पहुंची। युवती का आरोप है कि प्रेमी सुनील चंदेल वर्ष 2018 से शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण कर रहा है। इसके साथ ही आरोपी सुनील चंदेल का कई और लड़कियों से भी संबंध है। आरोपी सुनील चंदेल का धनबाद में बैंक मोड़ स्थित ओजोन प्लाजा में द स्टेइंग इन थाई स्पा नाम का मसाज सेंटर है। इसके अलावा भी कई अन्य जगह पर मसाज के नाम पर देह व्यापार का काम चलाता है। इसमें कई और गिरोह भी शामिल है जो भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसा कर देह व्यापार का धंधा करवाते हैं। वहीं पीड़िता ने अपने प्रेमी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रेमी उसको अलग अलग जगहों पर कस्टमर का फोन नंबर देकर देह व्यापार के लिए भेजा करता था। मना करने पर पीड़ित के साथ मारपीट भी की जाती थी और जान से मारने और उसकी नग्न फोटो वायरल कर देने की धमकी देता है। जी, सुनील सिंह चंदेल है जो कि सिंह लगाता है, वो दलित समाज का यहाँ पे देह व्यापार करता है। द स्टेइंग थाई स्पा जो कि मसाज पार्लर है उसके उसके नाम से देह व्यापार करता है। गरीब लड़कियों को बुला के शादी के प्रपोजल में ये फंसाता है, जो कि मेरे साथ भी ऐसे ही किया। शादी के झांसे में रख के मुझे मेरे संग इंगेजमेंट भी कराया, एक प्रेम का जाल फंसाया, प्रेम करने के बाद मुझे शादी तय, मैंने इसको ज़बरदस्ती किया शादी करने के लिए, तो उसने मुझसे शादी करने के लिए इंगेजमेंट किया, जो कि मेरे परिवार के सामने सबके सामने मुझे अपने यहाँ ज़बरदस्ती ले आया मेरे माँ को छुड़वा के कि तुमसे हम शादी तभी करेंगे जब तुम अपने माँ को छोड़ोगी। मैंने माँ को भरोसे में छोड़ के इसका भरोसा विश्वास करके घर वालों का ये मुझे 2 महीने अपना घर में रखा। उसके बाद उसको नहीं कुछ समझ में आया तो इसने मुझे धनबाद में और देवघर में यहाँ रखा, यहाँ से मुझे देह व्यापार करवाने की कोशिश किया सर। पूरा वहाँ देवघर में मेरे संग बहुत ज़बरदस्ती किया। उसके कैसे वो उस दलदल से निकल के अपने पापा को बुला के मैं सर अपना घर गई, वहाँ से उसके पर केस कर दिया है, जो कि अभी वो केस करने में 3-3.5 महीने जेल में रहा है, वहाँ से छूट गया है। उसके बाद मुझे धमकी दे रहा है कि अगर तुम देह व्यापार नहीं करोगे तुम्हारे घर वालों को मार देंगे जान से, और तुमको जो वो नंगा फोटो तुम्हारे संग खींचा हुआ है ना वो वायरल कर देंगे। इस तरीके से इसका मौसी रहता है मेरे घर के बगल में, तो मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, ये हावड़ा का रहने वाला है। इसका देह व्यापार यहाँ धनबाद में चलता है और देवघर में चलता है। धनबाद में ये बैंक मोड़ ओजोन प्लाजा 3rd फ्लोर में है सर, जो कि द स्टेइंग थाई स्पा के नाम से है। और एक लवासा है जो कि गणेश होटल है, उसमें भी सर 1st फ्लोर में ही है। उसमें सर ये इस लवासा सैलून के नाम से जाना आता है, लेकिन वो इसमें देह व्यापार करता है, ये मसाज पार्लर उसमें भी खुला हुआ है, उसके आर पे चलाता है सर। और एक झारखंड में वहाँ देवघर में है सर, वैष्णवी क्रैकिंग होटल है, उसमें 5th फ्लोर में है सर। वहाँ मुझे रखा, वहाँ मुझे स्टाफ के बहाने से भेजता था सर, स्टाफ के बहाने से भेजा एक दो बार तो मुझे समझ में आया, तो मुझे वहाँ पे सर क्लाइंट को फोटो भी भेजा मेरा, उसमें मैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश, वहाँ से मैं निकली कैसे करके अपने पापा को फ़ोन करी, तब मुझे समझ ये यहाँ पे भी मेरे धनबाद में मेरे संग ऐसे किया, देह व्यापार करवाया मसाज के बहाने से कि इसके क्लाइंट ने मेरे संग ज़बरदस्ती किया, वहाँ से कैसे करके मैं निकली। और इस चीज़ की जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लेन करने की कोशिश की, इसने दबा दिया यहाँ पैसों के दे के, फिर मुझे झारखंड देवघर में भेज दिया स्टाफ बनाकर। वहाँ पे सर ऐसे ही किया, वहाँ पे जब ऐसे किया तो एक जो कि यहाँ पे कागज़ एक दिया था महिला थाना में शादी का, जो मुझे बहुत मारा पीटा था, तो उसमें ज़बरदस्ती यही बोला कि तुम अकेले हो, तुम्हारे माँ ने अगर तुमने कुछ नहीं किया कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो तुमको जान से मार देंगे यहाँ पे। तो मैंने सर उसमें कंप्रोमाइज़ कर लिया शादी का जो इसने बनाया था, उसमें रजिस्ट्रेशन भी इसने नहीं कराया, कैसे करके मुझे सर यहाँ भेज दिया धनवा देवघर भेज दिया, वहाँ पे स्टाफ बना के रखा। कुछ दिन तक ठीक चला, उसके बाद फिर से मुझे अपना स्टोर में ये दुकान में स्पा में भेजने लगा, भेजा वहाँ पे क्लाइंट लोग को फोटो भेजा, उसका क्लाइंट मेरे संग ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तब मैं अपने पापा को बुला के तब मैं यहाँ से दलदल से निकल के वहाँ पर केस कर दिया है। अब वहाँ से 3 महीने बाद जेल से निकला हुआ है सर, मेरे केस में निकला हुआ है, जो कि अब मुझे वो धमकी दे रहा है कि अगर तुम नहीं करोगे देह व्यापार जेल में मेरी शादी के प्रपोजल में, शादी में और मेरे संग जो ज़बरदस्ती किया था, रेप किया था शादी इंगेजमेंट के पहले जी, मेरे केस में वो फंसा हुआ है। तो अभी वो छूट गया सारे 3 महीने में लेके,
तो उसको कोई सजा नहीं मिली है, इसलिए मुझे वो इसीलिए वो धमकी दे रहा है। और धमकी क्या, मुझे लगता है कि वो मुझे ऐसे भी बोल रहा है कि तुम नहीं करो तुमको यहाँ से उठवा लेंगे कानपुर से। सर बताइए, मेरी माँ पीड़ित है, मेरी माँ परेशान है हर चीज़ में, और मेरी ज़िंदगी तो पूरा ख़राब कर दिया, लेकिन अब मैं क्या करूँगी, अपना जान दे दूँ तब उसको शांति मिलेगी कि और लड़की भी इसके जाल में ऐसे ही फंसी हुई है, और लड़की की शादी करने के लिए इसे फंसा के रखा हुआ है। कम से कम होगी 10-15 लड़कियाँ ऐसे प्यार मोहब्बत फंसाता है, उसके संग बिस्तर गर्म करता है, और उसको अपना क्लाइंट के संग में भेजता है, काम कराता है, उसके बाद अपना उसके संग और कॉन्टेक्ट तोड़ के फिर दूसरी लड़की को सप्लाई कर, कभी दिल्ली से, कभी बॉम्बे से, और कभी यहाँ से सिक्किम से, मिजोरम से। सर ये जानकारी मुझे तब हुई जब मेरे संग यहाँ पे धनबाद में करने की कोशिश की, इसके बाद तो डेट सर इतना याद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत परेशान हूँ। उसके जब मुझे धनबाद से देवघर भेज दिया तब मुझे जानकारी, तब पर जब उस क्लाइंट के मोबाइल में मेरी फ़ोटो पड़ी थी तब मुझे जानकारी कि मुझे इस तरीके से काम करवाना चाहता है, और इसके बाद बनारस में मुझे बेचना चाह रहा था सर। लगभग 6 महीने के ऊपर हो गया सर। मैंने कोई अधिकारी सर यहाँ पे महिला थाना में गई थी, मुझे ये सब कहने के कहा मैंने, तो कोई इसमें लेटर नहीं लिया, कोई एप्लीकेशन नहीं, मुझे भेज दिया गया मेरे पापा के साथ में जी। कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि खुद का वो बैंक और थाना में वो पैसा देता है इस चीज़ को लेके, ये चीज़ मैं गवाही हूँ, वो मुझसे खुद बोला है कि मेरा तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं धनबाद में बिगाड़ पाओगी, मेरा खुद इतना मेरा मास्टर माइंड है, मेरे इतना दिमाग है, मेरे बैठने वाले बहुत हैं, जबकि वहाँ पे बहुत से मेरे वहाँ पे जो धनबाद थाना में जो है बहुत से लोग का नाम भी मुझे पता है, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, रहने वाला तो वो व्यक्ति है, उन लोग का नाम भी मुझे पता है, जिस डिपार्टमेंट को खिलाता पिलाता ड्रिंक करवाता है, जिनको पैसा देता है, उनका नाम भी मुझे पता है। पर मैं अभी ये चीज़ जाहिर नहीं करूँगी, समय आने में जाहिर करूँगी, इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि बस उसको मुझे न्याय मिले और लड़कियों को न्याय मिले। जी हाँ, मैं मिल के आई, मैं शनिवार को मिली हूँ मैं सर, और कल संडे हो गया, आज सोमवार है सर। SSP सर से मिली, जो कि ग्रामीण मैडम है, जो SP मैडम उनके पास, तो उन्होंने बोला है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अपना कार्रवाई बंद है। सर मैं इतना दूर से आई हूँ, कोई मेरे कोई जब मैं कानपुर में ये बात बोलती हूँ तो वहाँ के बोलते झारखंड का मैटर, झारखंड में जाइए, झारखंड में आए तो बोला कानपुर में आपका केस चले, कानपुर जाइए। सर मैं ऐसे दौड़ते दौड़ते ये अपना आत्महत्या कर लूँ तब मुझे इंसाफ मिलेगा, और ये इंसान जो मुजरिम है, जो जुल्म कर रहा है, ये अपना आज़ादी से ज़िंदगी जी रहा है और मुझे धमकी दे रहा है। मैं यही चाहती कि बस मुझे इंसाफ मिले और लड़कियों को इंसाफ मिले। शादी सर ये 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है सर। महिला थाना से इसने एक बॉन्ड लिखवाया था, जो कि उसका रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, बस मुझे जोर जबरदस्ती से मुझे दवा धमका के सर उसने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, उसके घर वालों ने करवाया था। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अकेले लड़की हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी इज्जत सब खो दिया इसके लिए, इसके पीछे सब कुछ मेरा इसने खो दिया है, सब कुछ मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। बस मैं यही चाहती हूँ इसका जो बिजनेस है, दे व्यापार, ये बंद हो जाए कैसे भी करके, कि और लड़कियाँ इस जैसे मेरे संग हुआ, ऐसे और लड़की के संग मिलना हो, बस मुझे न्याय मिले। हालांकि इस मामले पर अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि धनबाद में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर पुलिस प्रशासन किस प्रकार शिकंजा कसती है और पीड़िता को न्याय दिलवाती है, ये देखने वाली बात होगी।